वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट योर चैप्टर नंबर 11, लाइफ इन वाटर। तो ओपन योर पेज नंबर 85। इस चैप्टर में हम बात करेंगे लाइफ ऑफ वाटर, यानी कि पानी के अंदर मिलने वाले जीव जंतुओं के बारे में, कि पानी के अंदर भी जीवन होता है, लाइफ होती है, उसके बारे में। We see many kinds of plant and animals around us, कि हम अपने आसपास बहुत प्रकार के पेड़ पौधे और जानवरों को देखते हैं। Some of them are found on land and some in water, जिनमें से कुछ हमें जमीन पे देखने को मिलते हैं और कुछ हमें पानी में देखने को मिलते हैं। Some of the plants and animal on the earth are found in hills, उनमें से कुछ पौधे और जानवर हमें कहाँ मिलते हैं, पहाड़ों पे मिलते हैं। सम ऑन प्लेन्स, कुछ हमें मैदानी भाग में मिलते हैं, एंड सम इन डेजर्ट, और कुछ हमें डेजर्ट्स में मिलते हैं, रेगिस्तान में मिलते हैं। एनवायरमेंट एट दीज प्लेस इज डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंस इन विंटर समर एंड रेनी सीजन, कि यहाँ का जो एनवायरमेंट होता है, यहाँ का जो वातावरण होता है, वो अलग अलग सीजन में अलग अलग प्रकार का होता है, यानी उसमें वातावरण में भी अंतर, यहाँ के मौसम के अनुसार अंतर पाया जाता है, जैसे कि विंटर, समर और रेनी सीजन। थिंक एंड टेल, विच एनिमल्स हैव यू सीन लिविंग इन वाटर, कि आपके अनुसार आपने कौन कौन से जानवर ऐसे हैं जो कि पानी में रहते हैं, आपने देख रखा है। इसमें आपको वाटर एनिमल्स के नाम लिखने हैं। ओके, सी द फॉलोइंग पिक्चर केयरफुली, अब इस पिक्चर को केयरफुली देखिए, इसमें आपको कौन से वाटर एनिमल्स एंड प्लांट नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, फिश, क्रोकोडाइल, उसके अलावा टॉर्टोइज एंड लोटस। तो ये थ्री तो हो गए वाटर एनिमल, और ये हो गए वाटर प्लांट। चलते हैं हम आगे डिस्कस एंड टेल पे। Which animal are seen in the pictures? इस पिक्चर्स में कौन कौन से एनिमल हैं? Which of these animals live only in water? इनमें से ऐसा कौन सा जानवर है जो खाली पानी में ही रहता है? जैसे हमने देखा तो उसमें सिर्फ फिश ऐसा था जो सिर्फ पानी में रहता है। Which plants are seen in the picture? इस पिक्चर में कौन से प्लांट हैं? Which plants are found on land and which plants are found in water? ये कौन से प्लांट पानी में पाए जाते हैं और कौन से सिर्फ जमीन पे पाए जाते हैं? फाइंड आउट एंड राइट डाउन करना है आपको, मेक ए लिस्ट ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स, कि पानी में पाए जाने वाले जानवरों के नाम आपको लिखने हैं। सम प्लांट्स आर फाउंड इन वाटर, मेक ए लिस्ट ऑफ सच एक्वाटिक प्लांट्स, कि पानी में जो उगते हैं उन प्लांट्स की आपको लिस्ट बनानी है। थिंक एंड टेल, ड्यू टू व्हाट रीजन सम एनिमल्स एंड प्लांट आर एबल टू लिव इन वाटर, कि ऐसा क्या कारण है, जैसे हम पानी में रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी, हमारा दम घुट जाएगा, हम मर जाएंगे, लेकिन कुछ जानवर हैं वो पानी में कैसे रह पाते हैं? तो देखते हैं हम, हाउ दे लिव इन वाटर, कि वो पानी में कैसे रहते हैं। द इफेक्ट ऑफ इट्स एनवायरमेंट इज क्लियरली सीन ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एवरी एनिमल एंड प्लांट, कि किसी भी जगह के वातावरण का वहाँ पे रहने वाले लोगों की बनावट और कार्य प्रणाली पे असर हमें साफ साफ दिखाई देता है। ड्यू टू देयर पर्टिकुलर फिजिकल फीचर्स एनिमल्स एंड प्लांट आर एबल टू लिव इन ए पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, एक स्थान विशेष के लिए निर्धारित फिजिकल फीचर्स की वजह से ही उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, उस विशेष वातावरण में वो प्लांट्स और जानवर रह पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए बियर इज फाउंड आइसी रीजन, इट्स बॉडी हैज थिक फर विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड, जैसे कि इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक जो बियर होता है, जो पोलर बियर है, वो बहुत ही ज़्यादा बर्फीले इलाके में रहता है, लेकिन वो वहाँ कैसे रह पाता है, क्योंकि उसके ऊपर एक थिक फर होते हैं, बहुत ज़्यादा थिक फर होते हैं, यानी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, जिससे कि उसके शरीर को ठंड से बचाते हैं। In the same way, aquatic animal can live only in water due to their particular physical structure. उसी प्रकार से पानी में रहने वाले जानवर सिर्फ पानी में ही रह पाते हैं, क्यों? क्योंकि उनका physical
स्ट्रक्चर शारीरिक संरचना इस प्रकार की बन गई है। वी माइट हैव सीन दैट व्हेन वी प्ले इन वाटर और वर्क इन वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम स्किन ऑफ आवर फिंगर ग्रेट श्रंक। आपने ये चीज़ नोट की हुई होगी कि जब हम काफ़ी देर तक पानी में काम बैठते हैं या पानी में काम करते हैं तो हमारे उंगलियों की जो स्क्रीन है वो सिकुड़ जाती है। देखा होगा आपने कई बार लाइनें लाइनें सी बन जाती है ना। वाइल दिस डजेंट हैपन विथ एक्वाटिक एनिमल एंड प्लांट। जबकि पानी में रहने वाले प्लांट्स और जानवरों के साथ ऐसा नहीं होता है। डू यू नो वाटर एनिमल स्पेशली फ्रेश वाटर एनिमल आर ऑफन टू स्पेशल कॉनकन टू कंजर्वेशनिस्ट बिकॉज ऑफ द फर्जिलिटी ऑफ देयर इन्वायरमेंट। वाटर एनिमल आर सब्जेक्ट टू प्रेशर फ्रॉम ओवरफिशिंग मरीन पोल्यूटेड एंड क्लाइमेट चेंज। वर्तमान समय में पानी में रहने वाले जानवर स्पेशली मीठे पानी में रहने वाले ताज़ा पानी में रहने वाले जानवर की प्रजाति में विलुप्ति का खतरा हो रहा है, जिसको लेके कौन हमारे संरक्षकवादी बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। इसका कारण क्या है? वाटर एनिमल आर सब्जेक्ट टू प्रेशर्स फ्रॉम ओवरफिशिंग मेरीन पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। अब इनकी संख्या कम होने के पीछे कारण क्या है? इनकी संख्या पीछे होने के कारण के अंदर सबसे पहला कारण आता है ओवरफिशिंग, कि इन्हें बहुत ज़्यादा इनका शिकार किया जा रहा है। दूसरा कारण है मरीन पोल्यूशन, कि जो हमारे द्वारा जल को प्रदूषित किया जा रहा है। तीसरा है क्लाइमेट में होने वाले परिवर्तन। तो चलते हैं हम आगे, डिस्कस एंड टेल की बात करते हैं हम। तो डिस्कस एंड टेल, फिश लिव्स इन वाटर हाउ डज इट ब्रीद। कि मछली पानी में रहती है तो वो वहाँ पे सांस कैसे लेती है। एनिमल्स लिविंग इन लैंड सच एज डॉग काउ बफेलो कीप देयर माउथ आउट ऑफ वाटर व्हेन दे आर इन वाटर। वाई कि जब जमीन पे रहने वाले जानवर जैसे कि डॉग काउ बफेलो ये क्या करती हैं, जब भी ये पानी में जाती हैं तो ये अपना मुँह पानी के बाहर रखती है। क्यों? डू इट ऑल्सो ड्राइव डायग्राम ऑफ ए फिश इन योर नोटबुक। आपको ये फिश का डायग्राम है अपनी नोटबुक में बनाना है और मुझे इसकी पिक सेंड करनी है। ओके, अब फाइंड आउट एंड टेल की बात करते हैं। हाउ इज ए फिश एबल टू लिव सेफली इन ए वॉटर इन द वॉटर। कि फिश पानी में सुरक्षित कैसे रह लेती है। हाउ डज इट्स पर्टिकुलर फिजिकल स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट इट। कि इसका विशेष जो शारीरिक संरचना है वो इसे किस प्रकार से संरक्षित करती है। फिजिकल फीचर्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट दे लिव इन। कि किसी भी क्षेत्र में रहने वाले जानवर और प्लांट हैं उनका जो फिजिकल फीचर्स हैं वो किस हिसाब से उनके वातावरण के अनुसार ढल जाते हैं। दिस इज कॉल्ड अडेप्शन ऑफ क्लाइमेट। इसे ही क्या कहा जाता है? अडेप्शन ऑफ क्लाइमेट कहा जाता है। You might have seen green moss present at the place where water gets locked around. आपने भी देखा होगा कि ग्रीन मॉस, काई देखिए ना आपने, जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है वहाँ पे ग्रीन ग्रीन हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? मॉस बोलते हैं, काई बोलते हैं उसे, देखी होगी आपने। डू दिस, तो आपको क्या करना है? स्क्रेच ऑफ एंड ब्रिंग सम मॉस फ्रॉम द प्लेस वेयर वाटर गेट्स लॉक्ड इन योर स्कूल। कि आपको वहाँ से कुछ आपके स्कूल में आपके घर के आसपास जहाँ पानी इकट्ठा हुआ हो वहाँ पे आपको कहीं पे भी काई मिल जाएगी, मॉस मिल जाएगी, ग्रीन मॉस, उसे आपको वहाँ से थोड़ा सा खुरचना है और अपने साथ ले लेना है। टेक ए मैग्नीफाइंग ग्लास फ्रॉम योर साइंस लैब एंड एग्जामिन द मॉस थ्रो इट। फिर आपको क्या करना है? एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेना है जो साइंस लैब में मिलेगा आपको स्कूल में, उससे आपको उसे देखना है। इन फैक्ट मॉस इज ऑल्सो ए टाइनी प्लांट्स विच ग्रोन इन वाटर ओनली। तो उससे देखने पे हम पाएंगे कि क्या है मॉस, क्या है, बहुत ही सूक्ष्म पौधे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ पानी में ही उगते हैं। आगे चलते हैं, थिंक एंड टेल की बात करते हैं। एट विच प्लेस डज मॉस ग्रो। कि ये काई होती है वो कहाँ उगती है। व्हाट वुड हैपन इफ एक्वाटिक प्लांट आर टेकन आउट ऑफ वाटर। कि क्या होगा अगर जो पानी के पौधे हैं उन्हें पानी से निकाल लिया जाए। वॉट वुड हैपन इफ द प्लांट ग्रोइंग ऑन लैंड आर केप्ट इन वाटर। और जब जमीन पे उगने वाले पौधे हैं उन्हें अगर हम पानी में उगाना चाहें तो क्या होगा? फाइंड आउट एंड टेल।
Why do aquatic plants don't get rotten in water? सवाल ये भी आता है हमारे दिमाग में कि जो पानी में उगने वाले प्लांट हैं वो गलते क्यों नहीं हैं, तो इसका देखते हैं। देखिए जैसे पिक में दिखा रखा है लोटस प्लांट, यू माइट हैव सीन ए पॉन्ड, आपने कोई तालाब देखा होगा। देर आर सर्वल काइंड ऑफ प्लांट प्रेजेंट इन इट्स वाटर, कि इसके अंदर आपने कई प्रकार के पौधे देखे होंगे। सम ऑफ दीज प्लांट आर सबमर्ज्ड इन वाटर, इनमें से कुछ पानी में डूबे हुए होते हैं। सम प्लांट्स आर हाफ सबमर्ज्ड, कुछ आधे डूबे हुए होते हैं, बट देयर लीव्स कीप ऑन फ्लोटिंग इन वाटर, लेकिन उनकी जड़ें सॉरी उनकी पत्तियां पानी पे तैरती रहती हैं। सम प्लांट ऑल्सो ग्रो इन फ्लोइंग वाटर टू, सम वाइल्ड अदर ग्रो इन स्टिल स्टैग्नेंट वाटर, कि कुछ क्या होते हैं बहते पानी में उगने वाले भी होते हैं, कुछ स्थिर पानी में उगने वाले भी होते हैं। डिस्कस एंड टेल, सी द एक्वाटिक प्लांट अराउंड यू एंड टेल दैट हाउ डू द लीव्स ऑफ दोज प्लांट विच आर कम्प्लीटली सबमर्ज्ड लुक लाइक, कि आपको कुछ एक्वाटिक प्लांट को देखना है और देखना है, किन के बारे में बताना है आपको, कि उनकी लीव्स कैसी होती है जो पानी में पूरी तरह से डूबे होते हैं। हाउ डू दे लीव्स ऑफ दोज प्लांट पार्टली सबमर्ज इन वाटर लुक लाइक, और उनकी जो कि कुछ जिनका कुछ हिस्सा पानी में डूबा होता है उनकी पत्तियां कैसी होती है। हाउ डू प्लांट्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर लुक्स लाइक, और इसके अलावा वो प्लांट्स जो पानी की सतह पे होते हैं वो देखने में कैसे होते हैं। आगे, वाई आर द लीव्स ऑफ ए लोटस फ्लावर ब्रॉड, कि जो कमल होता है लोटस होता है उसकी पत्तियां चौड़ी क्यों होती हैं। वाई आर द लीव्स ऑफ प्लांट ग्रोइंग इन द फ्लोइंग वाटर आर थिन एज ए रिबन, और जो बहते पानी में उगती हैं उनकी पत्तियां रिबन की तरह क्यों होती हैं। और देखिए जलकुंभी, देखा है आपको ये पिक के अंदर जलकुंभी, विच एक्वाटिक प्लांट हैज बीन शोन इन द अबोव पिक्चर, इसमें आपको कौन सा है इसका आंसर यहीं दे रखा है, देखिए पिस्टिया स्ट्रेटोस। डिस्कशन टेल, व्हाट वुड हैपन इफ द होल पॉन्ड इज कवर्ड बाय पिस्टिया स्ट्रेटियोटस, यानी जलकुंभी से क्या होगा अगर पूरा प्लांट पूरा तालाब ही उसके पत्तों से ढक जाए। What difficulties would arise to other aquatic plant and animal if Pistia stevens is grown much? कि अगर जलकुंभी ज़्यादा उग जाती है तो अन्य पौधों और जानवरों के लिए क्या समस्याएं हो जाती हैं। Now you might have understood the Pistia stratiotus which grows naturally in ponds and lakes spread very fastly and cover the whole pond completely. This has to be removed from time to time. तो आपने देखा कि अब आपके समझ में आ गया कि जलकुंभी क्या होती है, ये किसी भी तालाब में या पानी के अंदर बहुत ही जल्दी से फैलती है और ये पूरे तालाब को कवर कर लेती है, इसलिए इन्हें समय समय पे निकालना ज़रूरी होता है। डू यू नो द मेन फैक्टर कंट्रोलिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्वाटिक प्लांट इज द डेप्थ एंड ड्यूरेशन ऑफ फ्लडिंग, हाउएवर अदर फैक्टर ऑल्सो कंट्रोल देयर डिस्ट्रीब्यूशन एविडेंस एंड ग्रोथ फ्रॉम दीज फैक्टर फ्रॉम न्यूट्रिशन डिस्टर्बेंस फ्रॉम वेज ग्रेजिंग बाई एनिमल्स एंड सैलिनिटी ऑफ वाटर। अब क्या होता है एक्वाटिक प्लांट को बचाने के लिए या उनको नष्ट होने के लिए बहुत से कारण जिम्मेदार होते हैं, उनमें है जैसे पानी की गहराई, पानी में बाढ़ आना, उनका समय, उसके अलावा उनके फैलाव में कमी, उनके ग्रोथ करने में कमी, इसके साथ साथ उनको मिलने वाले न्यूट्रिशन, उसके अलावा लहरों के द्वारा फैलाए जाने वाला डिस्टर्बेशन, उसके अलावा जानवरों के द्वारा चरना और पानी का प्रदूषण, इन सब कारणों से ये जो पानी के पौधे और जानवर हैं इनकी संख्या कम होती जा रही है। तो चैप्टर रिकॉल करते हैं हम, चैप्टर रिकॉल में इस चैप्टर में हमने देखा एक्वेटिक प्लांट ग्रो इन वाटर, एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट ब्रीद इन वाटर ओनली, एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट आर एबल टू लिव इन वाटर ड्यू टू देयर यूनिक फिजिकल फीचर्स, दीज फीचर्स आर कॉल्ड अडेप्शंस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम बात करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के बारे में।